अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें अब तक मजीद अच्छा मवाद पहुंचाने में मदद मिलेगी और आप हमारी नई वीडियोस के बारे में फौरन आगाह हो सकेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी साथियों में से अबू बकर और उम्र की कहानियां वाकई मुतासिर कुन और बच्चों के लिए कीमती असबाक से भरी हुई हैं। यहाँ एक मुख्तसर खुलासा है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु अपनी सच्चाई और वफादारी के लिए जाना जाता है। इस्लाम कबूल करने वाला पहला सहाबी। मदीना की तरफ हिजरत के दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान नमाज में उम्मत मुस्लिमा की इमामत की। पैगंबर इस्लाम की रहलत के बाद इस्लाम का पहला खलीफा उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने इंसाफ और इंसाफ के लिए जाना जाता है। शुरू में इस्लाम की मुखालफत की, लेकिन बाद में एक मजबूत मोमिन बन गया। इस्लामी सल्तनत की तौसी में अहम किरदार अदा किया। इस्लामी कैलेंडर और मुख्तलिफ समाजी इस्लाहात का क़याम। अबू बकर के इंतकाल के बाद इस्लाम का दूसरा खलीफा। बच्चों के लिए अबू बकर और उम्र के बारे में कुछ मशहूर कहानियां शामिल हैं। अबू बकर की अमानतदारी। अबू बकर की अमानतदारी, वो अपनी गैर मुतज़लज़ल ईमानदारी की वजह से सिद्दीक सच्चे के नाम से मशहूर थे। उम्र की तब्दीली, वो एक शदीद मुखालिफ होने से इस्लाम के एक अकीदतमंद पैरोकार में तब्दील हो गए। अबू बकर और उम्र की दोस्ती, वो भाइयों की तरह थे, मोटी और पुतली के जरिए एक दूसरे की हिमायत करते थे। ये कहानियां वफादारी, ईमानदारी, इंसाफ और दोस्ती के बारे में कीमती सबक सिखाती हैं। अगर आप मजीद तफसीलात वसाइल चाहते हैं तो बिला जेजे का पूछें।